हेलो एवरीवन, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू वर्चुअल वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल्स, राइट। सो अभी तक मैंने आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो इंट्रोडक्शन दिया था कुछ लास्ट लेक्चर में, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस में करने क्या वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली हम लोग जो स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ते हैं या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को जो पढ़ते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जितने भी स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं उनको एनालाइज करना सीखते हैं। और एनालाइज का मतलब क्या होता है? तो एनालाइज का मतलब मैंने आपको बताया कि लाइक कोई बीम है या कोई ट्रस है या कोई फ्रेम है, तो जब इनके ऊपर कोई लोडिंग आती है, किसी बीम के ऊपर कोई लोडिंग आ रही है या फ्रेम के ऊपर लोडिंग आ रही है या ट्रस के ऊपर लोडिंग आ रही है, तो उस लोडिंग की वजह से किसी मेंबर पे कुछ बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है, कुछ शेयर फोर्स डेवलप होता है, कुछ डिफ्लेक्शन डेवलप होता है, राइट। किसी मेंबर पे डायरेक्ट टेंशन डेवलप होता है। तो बेसिकली इस बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना या शियर फोर्स को कैलकुलेट करना या डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना, ये जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये रिएक्शन को कैलकुलेट करना, इनको जो कैलकुलेट करते हैं मतलब कि हम उसका एनालाइज कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को हम एनालाइज कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर लोडिंग की वजह से उस पर क्या मूवमेंट आ रहा है, क्या शियर फोर्स आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, टेंशन आ रहा है, क्या आ रहा है और वो कितना मैग्नीट्यूड का आ रहा है। तो ये एनालिसिस कहलाता है। और फिर जब ये एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं तो इन एनालिसिस के बेसिस पे हम इसकी डिजाइन करते हैं। डिजाइन का मतलब कि बेसिकली उसमें अगर मैं बीम बना रहा हूं तो उस बीम की विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसके दाप कितनी होनी चाहिए, उसमें स्टील कितना लगना चाहिए, राइट, वो डिजाइनिंग कहलाती है। तो यहां पर हम जो एनालिसिस करना सीखते हैं, इसमें हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना भी सीखना है, हमें शेयर फोर्स निकालना भी सीखना है, हमें डिफ्लेक्शन निकालना भी सीखना है, हमें टेंशन निकालना भी सीखना है। उसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स की बात इस स्ट्रक्चर एनालिसिस में करते हैं। तो बेसिकली जो यूनिट फर्स्ट है हमारी, इंट्रोडक्शन टू वर्चुअल वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल्स, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो स्ट्रेन एनर्जी होती है इलास्टिक बॉडी के ऊपर, वो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, फिर इससे रिलेटेड कुछ मेथड्स हैं लाइक कास्टिग्लियानोज मेथड है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उन मेथड को यूज करके बेसिकली हम लोग बीम के ऊपर या फ्रेम के ऊपर डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना सीखेंगे या ट्रस को एनालाइज करना सीखेंगे या पिन जॉइंटेड फ्रेम को एनालाइज करना सीखें और बाइंडिंग मूवमेंट निकालना भी सीखें। तो इस मेथड में जो हमें पढ़ना है मेनली, वो एनर्जी प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है, वर्चुअल वर्क क्या होता है उसके बारे में पढ़ना, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, राइट, इनके वजह से क्या क्या कंडीशन क्रिएट होती है सेक्शन के ऊपर, और फिर इन मैथड्स के बेसिस पे, इनसे जो मैथड्स बनी है उन मैथड के रिजल्ट के बेसिस पे ये किस तरीके से एप्लीकेबल होती है स्ट्रक्चर पे और किस तरीके से उनको यूज करके हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना सीख सकते हैं कि अगर कोई मेंबर है मेरे पास, कोई कैंटिलीवर बीम है, उस पर एक पर्टिकुलर लोडिंग आ रही, तो उसकी वजह से उस बीम पर डिफ्लेक्शन कितना है या उसकी वजह से उस पर मूवमेंट कितना आ रहा है, उसको कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसकी मैथड्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना, जो कि ऊपर किसके ऊपर बेस्ड होंगी, वो बेस्ड होंगी वर्चुअल वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होंगी। तो ये हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इस यूनिट में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है या वर्चुअल वर्क क्या हुआ है, उसके बाद हम उसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस्ड जो भी एप्लीकेशन होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, उनको सॉल्व करना सीखेंगे और उनको यूज करके डिफ्लेक्शन और बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा कैलकुलेट करना सीखेंगे। थैंक यू।